हेलो एवरी वन अ वेरी वेलकम टू माई वीडियो आज फिर से आपके लिए बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही सुपर ऑसम क्वेश्चन है फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे चलते हैं सो लेटस मूव अस टू द क्वेश्चन सो गई यही है आपका वो सुपर ऑसम क्वेश्चन देखने में छोटा है बट बहुत कंफ्यूजिंग है सो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ वेरी इलेबोरेट क्लॉक वर्क डिवाइस There are 100 tiny clockwork puppets that walk along the length of a narrow 1 meter long bridge. The puppets are going either north or south, moving at the pace of 1 meter per minute. This movement causes music to play in the clockwork machine. The bridge is so narrow that the puppets cannot cross each other, and when two puppets meet, they instantly turn and move in the opposite direction. If any puppet reaches the end of the bridge, it falls off.

टू साउथ का ये मतलब नहीं है दैट ऊपर नीचे जा रहे हैं इट कैन बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आल्सो ओके सो हम ऐसे मान लेते हैं सो नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं नाउ हंड्रेड अबाउट हंड्रेड पपेट्स हैं अबाउट नहीं एग्जैक्टली exactly, सॉरी कैसे मूव कर रहे हैं सम आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन सम इन लेफ्ट ओके नाउ जब वो टकराते हैं तो वो बाउंस ऑफ होके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं सो so, और अगर एक बार किनारे पे पहुँच गए सो दे फॉल्स ऑफ सो हमें ये ढूंढना था म्यूज़िक कब बंद होएगा? म्यूज़िक कब बंद होएगा जब सारी एंड्स गिर जाएंगी एंड्स वन मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रही हैं एंड उनका साइज़ इन्फाइनली स्मॉल है सो so, उनको हमें लेने की जरूरत नहीं है ज़ीरो ले सकते हैं साइज उनका एंड ये ब्रिज वन मीटर का है ओके okay. सो so, इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक होती है बहुत सिंपल ट्रिक वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सो so, उस सिंपल ट्रिक को जानने के बाद आप इस क्वेश्चन को जस्ट फाइव सेकेंड्स में आंसर कर सकते हैं ओके जस्ट फाइव सेकेंड शायद उससे भी कम लगे, सो so, लगता मुश्किल है बहुत इजी क्वेश्चन है ओके गाइस सो अब इफ पपेट्स आर मूविंग लाइक दिस देखो अगर ये मूव करके बाउंस ऑफ होगा तो यहाँ से गिर जाएगा एंड दिस विल बाउंस ऑफ फिर वो यहाँ से टकरा के यहाँ फिर से गिर जाएगा ओके okay. सो so, हम क्या कर रहे हैं दो मिनट के लिए इसको ना हम कह, कह लेते हैं कि ये सारे एक दूसरे के आर पर जा सकते हैं अगर ये एक दूसरे के आर पर जा सकते हैं वैसे तो क्वेश्चन में लिखे नहीं जा सकते बट अगर हम लेट करते हैं तो अगर हम लेट करते हैं तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वही ट्रैवल करेगा जो एंड पे होगा एंड वो राइट right पे जाके घिर जाएगा सो so, इसको कितना टाइम लगेगा ये वन मीटर uh, की लेंथ का स्टिक है सो so, उसको वो स्पीड कितनी है उसकी वन मीटर पर मिनट सो वो तो वन मिनट में ट्रैवल कर लेगा इतना डिस्टेंस सेकेंड वाला उससे कम लेगा थोड़ा उससे फिर वो कम लेगा सो so, यही ट्रिक है बहुत इजी ट्रिक है इसको ना खाली मान लो दैट द दे कैन क्रॉस इच अदर डिस्टेंस उतना ही होता है वो बाउंस uh, ऑफ हो हो के भी उतना ही टाइम लेते हैं दैट इज़ वाई वी लेट दिस अब मैथ्स के फार्मूलाज होते हैं हम ये नहीं बोलते दैट ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हम नहीं कहते ना उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है इसके पीछे भी लॉजिक है अभी वो लॉजिक समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा सो so, अभी के लिए आपको खाली एक ट्रिक सिखा दी है दैट ऐसे आप फटाफट से क्वेश्चन के आंसर्स निकाल सकते हैं अब तो आपको पता ही गया होगा कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम, वन मिनट मैक्सिमम जो एंड वाले को आया उतना टाइम लगेगा एंड वाले को वन मिनट लगेगा सो वन मिनट आंसर सेकेंड्स में मांगे सिक्सटी सेकेंड्स आंसर क्या आया हमारा सिक्सटी सेकेंड्स फाइनल आंसर है सिक्सटी सो Thank you very much for watching my video. Please do like and subscribe my channel. Thank you.